हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट, डीके गोयल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो थोड़ा सा इसको इंट्रो पढ़ लेते हैं। रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होता है? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। पार्टनरशिप मतलब टू या मोर पर्सन जब एग्रीमेंट करते हैं आपस में, तो उससे पार्टनरशिप बनती है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है, कोई भी, तो जो पहली वाली पार्टनरशिप होती है वो एंड हो जाती है और एक न्यू एग्रीमेंट कम इन टू फोर्स और एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। कि उस एग्रीमेंट के चेंज होने से पार्टनरशिप के जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाते हैं। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू, इन सब केसेस में भी जो फर्म है वो कंटिन्यू रहेगी। एंड इट अमाउंट टू द रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और इसी को बोलते हैं रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। अब जब भी, मतलब ये कहने का है कि क्वेश्चन आ सकता है कि रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, कि जब, तो रिकंसिडरेशन क्या होता है? जब भी पुराने पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट में बदलाव आता है और उस बदलाव के कारण जो आपका पुराना पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, वो खत्म हो जाती है और एक नया स्टार्ट होता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अब वो किस कारण से हो सकता है? वो इन इन कारणों से हो सकता है। मतलब जो आपकी पार्टनरशिप पुरानी टूटने वाली है, एग्रीमेंट जो आपने पहले किए थे वो एग्रीमेंट अब खत्म होने वाले हैं, तो वो किस किस कारण से हो सकते हैं खत्म? फर्स्ट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो पुराने पार्टनर्स आपकी फर्म में हैं और उनका जो रेशो पहले था, जैसे उनका रेशो था, दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका रेशो था 2:1 और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो रेशो है वो 3:1 होना चाहिए, तो इनकी रेशो चेंज हो गई। रेशो चेंज होने से उनका जो एग्रीमेंट था पहले वाला वो खत्म हो चुका है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ये रीजन है कि किन किन कारणों से पहली वाला पार्टनरशिप जो है वो टूटता है। तो फर्स्ट कारण ये था। सेकेंड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, सी आ गया, तो उनके जो ए और बी के पुराने सारे एग्रीमेंट थे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और नए पार्टनर के साथ, सी के साथ मिलकर और नया एग्रीमेंट बनाएंगे, तो इस कारण से भी रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट क्या होती है? जैसे ए बी सी आपके पास तीन पार्टनर हैं और एक पार्टनर को आप रिटायर कर रहे हो। मान लो सी बोल रहा है कि भाई मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो सी के जाने से अब जो प्रॉफिट होगा ये दोनों बांटेंगे। इट मीन्स कि पहले वाला जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन कारणों से एक रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इट मीन्स जैसे पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं और तीनों में से एक की डेथ हो जाती है, आर डाइज ऑन March 31st, तो आर डाइड हो गया, अब कौन बचा? पी और क्यू, तो अब प्रॉफिट को पी और क्यू बांटने वाले हैं, तो जो पहले वाला एग्रीमेंट होगा आर के साथ वाला वो अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। तो इस तरह से डेथ ऑफ ए पार्टनर से भी रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। फिफ्थ पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप। अमलगमेशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, उनकी रेशो है 2:1। टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन दे अमलगमेट द फर्म विद द फर्म ऑफ सी एंड डी। उन्होंने क्या किया? कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए उन्होंने जो दूसरी फर्म थी, एक सी और डी की कोई फर्म थी, उनको आपस में अमलगमेट कर दिया, मिल गए। मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिल जाती है, तो यहाँ पे अब दोनों कंपनी मिल गई, तो अब न्यू रेशो ए बी सी डी चारों की जो रेशो है वो ये हो जाएगी। तो इट मीन्स अब भी क्या हुआ? पहला एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट बना, तो इट मीन्स वो रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म हुआ। तो इस तरह से आपने 5 रीजन पढ़े किन किन कारणों से रिकंसिडरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। पहले कुछ और था, अब वो डिसाइड करते हैं कि नहीं भी ये वाला रेशो नहीं, अब ये रखेंगे, तो उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब रेशो चेंज होती है तो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो एडजस्टमेंट क्या क्या है
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पांच पॉइंट हैं, ये पांच एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट बोले तो ये टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर वन इसमें से आता है डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले जब भी पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है तो आपको एडजस्टमेंट फर्स्ट तो यही करनी पड़ेगी कि रेशो चेंज होने से किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट होने वाला है, किसी को लॉस होने वाला है। तो इट मींस किसी का सेक्रीफाइस निकलेगा, किसी का गेनिंग रेशो निकलेगा। तो पहली एडजस्टमेंट आपको ये करनी पड़ेगी। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। आपको इस चैप्टर के अंदर गुडविल, गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, किसी भी फर्म की जो गुडविल होती है, पहचान होती है, उसकी मनी में क्या वैल्यूएशन होती है, उसका हम यहाँ पे सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल में। तो यहाँ पर आप मेथड सीखोगे गुडविल को कैलकुलेट करने के, तो ये भी इसमें करेंगे। थर्ड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, फिर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एंड फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पांच तरह के टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर करने हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है सेक्रीफाइस रेशो। सबसे पहले स्टूडेंट, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस अ न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और न्यू रेशो जैसे पार्टनर ए बी हैं, उन्होंने रेशो रखा 2:1 पहले जो था, अब उन्होंने चेंज करके रखा 3:2। तो जो रेशो चेंज करके उन्होंने रखा है उसको बोलते हैं न्यू रेशो, और ये ओल्ड रेशो। तो फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो। हिंदी में इसको बोलते हैं त्याग अनुपात। यानी कि जब भी रेशो में चेंज होगा तो आप याद रखिएगा कि जब भी रेशो में चेंज होगा तो किसी न किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट होने वाला है और किसी न किसी पार्टनर को लॉस होने वाला है। तो उसी जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, इट मीन्स उसका प्रॉफिट का शेयर पहले से कम हो गया है। और जब कोई गेन करता है, हमें दो रेशो सीखनी है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर, सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो आपको बताता है कि पार्टनर्स को क्या, कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, कितना उसको लॉस होने वाला है। और गेनिंग रेशो बताता है कि किसी पार्टनर्स को कितना गेन हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने में। तो पहला फॉर्मूला ये है सेक्रीफाइस रेशो का, और दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो गेनिंग रेशो का, ये रहा इसका अपोजिट, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर तो रेशो निकालने का बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है और बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो ये मैं इलस्ट्रेशन से ही कराती हूँ। फिर उसके बाद जब गुडविल का टॉपिक आएगा तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनकी रेशो 2:1 थी, एंड उसके बाद 1 अप्रैल 2021 में दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली होगा, इक्वली है इट मीन्स 1:1 होगा। तो कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर मतलब हर एक पार्टनर का अलग अलग सेक्रीफाइस रेशो और गेन निकालो। मतलब आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए लेकिन आपने दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं करना। आप क्या अप्लाई करोगे, हमेशा सेक्रीफाइस रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपने हमेशा ही ये करना है फॉलो। उसके बाद जैसे ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी कितना है 1:1। उसके बाद सेक्रीफाइस या गेनिंग, आपने सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला है आपका ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशो कितना है, अब ए का देखो, ए का ओल्ड रेशो और ए का न्यू रेशो, ए का ओल्ड रेशो है 2 और ये ऐड करके नीचे चला जाता है, पता है ना आपको, 2+1 3, तो 2/3 ये ए का ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो कितना हो गया, 1 तो रहेगा, अपॉन में इसको ऐड करके डालते हैं 1/2, तो ये इसका न्यू रेशो। फिर एलसीएम लेना आता है आप सभी को, एलसीएम ले लेंगे, ये 1/6, 4 में से 3 माइनस करना है 1/6, ये आपका सेक्रीफाइस। अब ये जो है ये प्लस में आया है, 4-3+1/6, तो ये सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट है आपका बी, वैसे ही बी का निकालना है, बी का शेयर कितना है 1 और ये ऐड करके नीचे, तो 1/3-1/2 एलसीएम लेना है 1/6। अब 2 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना 1-1/6। तो बेटा जी ये याद रखना है कि जब भी आप सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओ, सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू होगा, और अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो इट मीन्स इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, और अगर माइनस में आता है तो इट मीन्स इस पार्टनर को गेन हुआ है, रेशो चेंज करने से इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये एक नंबर में कभी पूछ लेता है कि सेक्रीफाइस रेशो निकाल के दिखाओ या गेनिंग रेशो निकाल के दिखाओ, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर सेक्रीफाइस रेशो बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर प्लस में है तो सेक्रीफाइस, इसने सेक्रीफाइस किया, और अगर माइनस में आता है तो इट मीन्स इस पर्सन को, ये बी पार्टनर को गेन हुआ है, फायदा हुआ है रेशो चेंज करने से। अब स्टूडेंट हमारा दूसरा टॉपिक है एडजस्टमेंट टू है गुडविल। गुडविल आप सभी को पता है कि रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी, किसी भी गुड नेम का जो प्राइस होता है,
किसी भी कंपनी की जो वैल्यू होती है, गुडविल होती है, गुड नेम होता है, उसका भी कुछ वैल्यूएशन होता है। तो अभी तक 11th क्लास में तो आप सबने गुडविल के बारे में पढ़ा होगा सिर्फ, लेकिन उसका वैल्यूएशन मनी टर्म्स में कैसे करना है वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे क्लास 12th में। और बेटा गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आप करने वाले हो पार्टनरशिप के अंदर, वो सारे के सारे गुडविल के बिना होने वाले नहीं है। तो आपको गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से सीखना है। तो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 11th का पार्ट है, बट आपके मेथड्स जो आपने वहाँ पे नहीं पढ़े हैं उनको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ गुडविल, कितने मेथड्स हों गुडविल को कैलकुलेट करने के? 3 मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट है कैपिटलाइजिंग मेथड। तो इस तरह से सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एपी, एपी मीन्स एवरेज प्रॉफिट, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एपी होता है एवरेज निकालना। अब एपी एवरेज निकालना, आपने अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो 11th क्लास में, तो वहां पे मीन आपने सीखा होगा। मीन मीन्स होता है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते थे? ठीक है, मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और मुझे अकाउंट्स के मार्क्स के एवरेज चाहिए, तो मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करूंगी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से डिवाइड करूंगी, तो एवरेज निकलेगी। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन होंगे 4 साल के, 5 साल के। मान लो 5 साल के गिवन है, तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 5, यानी कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं वो ऐड करने हैं अपॉन में 5। मतलब 5 साल के प्रॉफिट हैं तो आपने ऐड करने हैं, डिवाइडेड 5 करने हैं, एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद एवरेज को आपने यहाँ पे पुट अप करना है, और नंबर ऑफ ईयर गिवन हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हो तो परचेज साथ में लिखा होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको कितने सालों का एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ ईयर पर, ये अलग से ही दे रखा होगा, इसके आगे परचेज जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले मेथड से आपने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है। तो मैं प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। अगर आपके पास डीके गोयल है, डीके गोयल पार्ट ए अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट, और डीके गोयल की बुक है, तो आप निकालिएगा प्रैक्टिकल। इसके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे ही है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसमें ना मुझे कुछ एडजस्टमेंट बतानी आपको ज़रूरी है। जो गुडविल, जब आप एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करोगे ना, तो कुछ एडजस्टमेंट आएंगी जिनको आपको ऐड या लेस करना होगा। ठीक है, तो ऐड करने वाली चीज़ें कौन सी हैं और लेस करने वाली चीज़ें कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ एडजस्टमेंट हैं आपकी ऐड में आपको अगर कुछ क्वेश्चन के अंदर इनमें से अगर कुछ चीज़ आती है तो उनको ऐड और इनको लेस करना है। तो ऐड करने वाली चीज़ें जैसे एबनॉर्मल लॉस है आपका, एक्सीडेंटल लॉसेज हैं, ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, या एबनॉर्मल गेन है, ये लेस करने वाली आइटम्स है। एबनॉर्मल गेन है, रेकरिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी है। रेकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, तो सैलरी है उसको आपने लेस करना है। प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह उनको आपको लेस करना है। ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और